मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट परफ्यूम कौन से होने वाले हैं 1000 रुपये के अंदर। मैंने कोशिश की है कि जितने भी ऑप्शंस हो, मतलब जितना भी मेरा कलेक्शन था उसमें से मैं 1000 के अंदर ही कुछ परफ्यूम सेलेक्ट करूँ आप लोगों के लिए, बट एक दो परफ्यूम होंगे जो 1200 या 1300 रुपये के होंगे, बाकी सारे मतलब जितना भी मैंने फाइंड करा वो 1000 रुपये के अंदर ही हैं। और ये जो रैंकिंग है परफ्यूम की, ये मेरे स्किन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, जैसा परफ्यूम मेरे लिए मतलब स्किन पे और कपड़ों पे परफॉर्म करता है तो मैंने वैसे रैंक करा है, और स्मेल वाइज भी मैंने वैसे रैंक करा है। तो रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है, सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, तो रैंकिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पे मैं रखना चाहूँगा ये वाइल्ड स्टोन की तरफ से आता है टेरा परफ्यूम। इसका मैंने फुल रिव्यू नहीं बनाया, मैं आगे चलकर इसका फुल रिव्यू बनाऊंगा। बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है वाइल्ड स्टोन की तरफ से। बात करूँ इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, शॉर्ट में ही बात करेंगे तो इसकी सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी सिट्रस वेटिवर बेस्ड है और थोड़ा सा अर्थी साइड पे जाता है ये परफ्यूम। और जिन जिन लोगों को थोड़ा सा समर और स्प्रिंग के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहिए, मतलब थोड़ा सा सिट्रस का ब्लास्ट हो और थोड़ा सा वेटिवर का हिंट मिले और थोड़ा सा अर्थी नोट के साथ आता है ये, और जिन जिन लोगों को मतलब रसासे का फतान यूज़ करना है और वो बिगनर हैं, तो मेरे को लगता है एक बार इसको यूज़ करके मतलब देख सकते हैं, क्योंकि फतान ब्लाइंड बाय बिल्कुल भी नहीं है, उसमें ज़्यादा वेटिवर का यूज़ हुआ है। और दोनों मेरे को लगता है ये टेरा डे हर्म्स का दोनों DNA इसमें मिल जाता है। क्लोन तो दोनों एग्जैक्टली दोनों में से कोई भी नहीं है, बट DNA आपको ये TDH का मिल जाएगा। और मेरे को लगता है कि जैसे वाइल्ड स्टोन कोड का एक्वा आता था उसकी लास्टिंग थोड़ी सी कम है, बट ये वाइल्ड स्टोन का टेरा की लास्टिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे को लगता है समर और स्प्रिंग के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। और इसको कौन कौन लोग लगा सकते हैं, मतलब 30 साल के अंदर जितने भी मतलब लोग हैं, मेरे को लगता है कि 30-35 ईयर्स के लोग भी इसको लगा सकते हैं, मतलब मैच्योर लोगों को भी अच्छा लगेगा। और 3 लोगों को ये खैर ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ नहीं है, मतलब 20 साल से लेके 35 साल के बीच लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगा, जो इसमें सिट्रस वेटिवर और जो अर्थी नोट्स मिलते हैं उसका ब्लास्ट मिलता है, बहुत प्यारे तरीके से ये क्राफ्ट करा है। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में, तो ये 8-10 स्प्रेज में ईजिली मतलब प्रोजेक्ट कर देता है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, बहुत अच्छा है। बात करूँ लास्टिंग के बारे में, तो इसकी वाइल्ड स्टोन कोड से तो काफ़ी बेहतर लास्टिंग है। और इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूँ 8-10 स्प्रेज में स्किन में ये इजिली मतलब 6 घंटे तक लास्ट कर जाएगा, कपड़ों में अच्छा खासा ये टिक जाता है। कपड़ों की बात करूँ तो ये कपड़ों में इजिली आपके मतलब 8.5 से 9 घंटा टिक जाता है, तो मेरे को लगता है एक बेटर ऑप्शन है। 500 के अंडर ही मिल जाएगा ये आपको 100 ml। तो नंबर 10 पे ये वाइल्ड स्टोन की तरफ से टेरा, और नंबर 9 पे मैं रखना चाहूँगा ये अजमल की तरफ से परफ्यूम आता है, अजमल सिल्वर शेड। जैसे मैंने रिव्यू करते टाइम आपको बताया था कि आपको ये टायरा ऐप से 1000 के अंदर मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप अगर लॉगिन करोगे आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो आप वहाँ से ले लेना, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। बात करूँ शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, तो ये मतलब मेरे को लगता है कि स्वीट और ओवर फ्लोरल काइंड ऑफ परफ्यूम है, जिनको थोड़े से ज़्यादा फ्लोरल परफ्यूम पसंद आते हैं वो इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता 1000 के अंदर कोई मतलब इतना फ्लोरल परफ्यूम कोई होगा, बट एक चीज़ की इसकी कमी है जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, जो इसका मेटेलिक नोट है ओपनिंग में, वो कई कई लोगों को मतलब नोज़ में इरिटेशन दे सकता है, जो थोड़े सेंसिटिव हैं परफ्यूम को लेके मतलब सर्वर में चढ़ जाता है, वो इसको बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल भी इसकी तरफ मत जाना। कौन कौन लोग इसको लगा सकते हैं, मेरे को लगता है कि 24 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, टीन्स वगैरह इसको लगा सकते हैं, लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और मैच्योर लोग इससे दूर रहें। और ये एक समर सेंट है, तो समर में इसको यूज़ करना, मतलब विंटर स्प्रिंग में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट भी मत करना, बहुत मतलब अजीब सा स्मेल करेगा। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हैवी स्प्रेज करने का, 8 से 10 स्प्रेज इसके लगाने काफ़ी होते हैं, मेरे को लगता है उसमें अच्छा खासा प्रोजेक्शन आपको दे देगा। और प्रोजेक्शन मेरे को लगता है 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक 1.5 फीट का प्रोजेक्शन इसका अच्छा खासा है, 8 से 10 स्प्रेज में स्किन और कपड़ों पर मिला के लगाते हैं। तो लास्टिंग के बारे में बात करूँ तो स्किन पर ये 6-6.5 घंटा लास्ट कर जाता है, बट कपड़ों में अच्छा खासा 9-9.5 घंटा स्ट्रेच कर जाता है, तो एक अच्छी ऑफरिंग है अजमल की तरफ से। जिन लोगों को थोड़े से स्वीट और ओवर फ्लोरल परफ्यूम पसंद है उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो नंबर 9 पे है ये अजमल का सिल्वर शेड, पे मैं रखना चाहूँगा ये अजमल की तरफ से ही परफ्यूम आता है, अजमल का जील, और ये भी आपको टायरा ऐप पे 1000 के अंदर मिल जाता है, और मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी ऑफरिंग है अजमल की तरफ से। और इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो ये फ्रेश वुडी और थोड़ा सा स्पाइसी टच के साथ आता है, और ये मेरे को लगता है डियोर सोवाज का क्लोन तो है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है, जैसे
अजमल का कूरो आता है, वो भी क्लोन है, दोनों एक ही ब्रांड के हैं और वो भी आपको कई बार टाटा की ऐप पे 1200 के आसपास का मिल जाता है। तो दोनों अगर प्राइस पॉइंट पे देखोगे तो इक्वल है, बट वो थोड़ा सा पाउडरी हो जाता है। और मेरे को लगता है जो इसमें सबसे ज़्यादा शाइन करता है इसका ड्राई डाउन, जो पाइन का नोट है बहुत प्यारा मिलता है। तो तभी मैंने बोला आपको डियोर सोवाज भी थोड़ा सा स्पाइसीनेस के साथ आपको मिल जाता है। सेंट प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी है, आगे चलकर मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे ही आप इसके 8-10 स्प्रेज लगाते हो ये इजीली 1.5 घंटा मतलब प्रोजेक्ट कर देता है, और 1.5 फीट प्लस का इसका प्रोजेक्शन है। बात करूं लास्टिंग के बारे में, स्किन पे इसकी कितनी लास्टिंग है, तो 8-10 स्प्रेज अगर आपने स्किन पे लगाए तो 7-7.5 घंटा ये स्किन पे टिक जाता है। और कपड़ों पे अगर मैं बात करूं तो कपड़ों पे अच्छा खासा मतलब 10.5-11 घंटे ये टिक जाता है, 10-11 घंटे के बीच। तो एक अच्छी ऑफरिंग है अजमल की तरफ से। आगे चलकर मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं ये बहुत रिकमेंड करूंगा आपको, ये अजमल का जील 8वें नंबर। 7 पे मैं रखना चाहूंगा ये टाइटन की तरफ से परफ्यूम आता है, टाइटन स्किन रॉ। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये आपको 400 का मतलब 20ml की इसकी बॉटल मिल जाती है मिंत्रा पे, कई बार इसकी सेल्स वगैरह चलती रहती हैं। और इसकी 50ml की बॉटल भी आपको 1100-1100 के अंदर मिल जाएगी। तो मेरे को लगता है ये टाइटन की तरफ से बहुत अच्छी ऑफरिंग है। बात करूं इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, तो ये स्वीट और सिट्रस बेस्ड परफ्यूम है। इसमें 2 कमियां हैं, आगे चलकर बताता हूं क्या कमियां हैं और ये किस कैटेगरी का डीएनए है। ये एक्वा दी जियो और जैसे CK1 आता है उस कैटेगरी का डीएनए इसमें आपको मिल जाएगा, जो नोट्स वगैरह वैसे ही मिल जाते हैं, बट ध्यान रखना क्लोन नहीं है उनका, वैसा डीएनए है सिमिलर कैटेगरी का। जो 2 कमियां इसमें आपको मिलती हैं, जो इसकी ओपनिंग है, जो थोड़ा सा वाटरमेलन का नोट है वो थोड़ा सा आपको सिंथेटिक लग सकता है, बट इसको बुरा नहीं बना देता। मतलब 20-25 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है वो नोट, बहुत प्यारे से मतलब ये निखर के आता है, बहुत अच्छा मतलब इसकी सेंट प्रोफाइल लगेगी जैसे ये सेटल हो जाएगा। और जो दूसरी कमी है, इसका ड्राई डाउन बेसिकली है ही नहीं, इस वजह से टाइटन को अपना रॉ इंस्टिंक्ट निकालना पड़ा। वो बहुत एक बॉम्ब प्रोडक्ट है, मेरे को लगता है टाइटन को उसका भी 20ml निकालना चाहिए, बट इसको बुरा नहीं बनाता। मेरे को लगता है शुरुआती दौर के 4-5 घंटे के लिए बहुत एक अच्छा परफॉर्मर है और इसका ड्राई डाउन आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा ओवर स्प्रे आपको करना पड़ जाएगा। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन की, 12-13 स्प्रे लगाने के बाद ये लास्ट कर जाता है, मतलब मेरे को लगता है ये प्रोजेक्शन दे देगा आपको 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे के बीच। और लास्टिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली इसको आप अपने कपड़ों पर लगाओ, स्किन पे अगर आप लगाते हो 5 घंटे का मतलब स्किन सेंट रहता है ये, बट कपड़ों पे 8.5-9 घंटा ये टिक जाता है। शुरुआती दौर के 8 घंटे तक ये आपके कपड़ों पे बहुत अच्छे से रहेगा, बाद में मतलब कपड़ों के क्लोज बाय हो जाता है। तो ये टाइटन का स्किन रॉ है। नंबर 6 पे मैं रखना चाहूँगा, ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है ज़ारा मैन गोल्ड, और ये आपको 1000 रुपये का मिल जाता है, 100ml की इसकी बॉटल आती है। और हमेशा जब भी मैं ज़ारा के रिव्यूज़ करता हूँ आपको बताता रहता हूँ, जितने भी ज़ारा के परफ्यूम्स हैं आपको ज़ारा के स्टोर से ही लेने हैं। अगर आप इनकी ऐप से लेते हो आपको मतलब 300 रुपये की डिलीवरी इनको देनी पड़ जाएगी, तो वो मेरे को लगता है वर्थ इट नहीं है। अब मेन बात करें इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। ये स्वीट स्पाइसी और वुडी काइंड ऑफ परफ्यूम है, इसकी सेंट प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, बट ये थोड़ा सा मार खा जाता है ड्राई डाउन में और लास्टिंग में। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मतलब कपड़ों पे ज्यादा यूज करो। बात करूं इसके प्रोजेक्शन के बारे में, तो ये 10-12 स्प्रेज में इजीली मतलब प्रोजेक्ट आपको दे देता है, 1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन अच्छा खासा, 10-12 स्प्रेज अगर आप कपड़ों पे लगाते हो तो अच्छा प्रोजेक्ट कर देगा, बट अगर आप स्किन पे लगाते हो तो मेरे को लगता है 1 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रह जाता है। अब मेन बात करते हैं लास्टिंग की, जैसे मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको कपड़ों पे लगाओ, अगर आप स्किन पे लगाते हो तो 4.5 मैक्स टू मैक्स 5 घंटा ये स्ट्रेच करता है, उससे ऊपर नहीं टिकता, बट कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा टिक जाता है, 8.5 से 9 घंटे पूरे आप 10-12 स्प्रेज इसके कपड़ों पे लगाना, तो एक अच्छी सेंट प्रोफाइल है और एक अच्छी ऑफरिंग है और डिसेंट लास्टिंग है। बट इसमें कमी है कि इसका ड्राई डाउन मतलब मिलेगा ही नहीं आपको, बहुत कम है इसका ड्राई डाउन, तो इसलिए इसको आप ओवर स्प्रे कर सकते हो। अब मेन बात करते हैं इसको कौन कौन लोग लगा सकते हैं। मेरे को लगता है इसको हर कोई लगा सकता है, मतलब टीन्स मैच्योर लोग कोई भी, और इसको पूरे साल आप लगा सकते हो, पर अवॉइड करना मतलब हाई हीट पे मई जून जुलाई के मतलब महीने में इसको अवॉइड करना। बाकी आप इसे पूरे साल मतलब कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, या अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो नंबर 6 पे है ये ज़ारा का गोल्ड। नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा ये लताफा की तरफ से नजदिया परफ्यूम आता है ये, और मेरे को लगता है कि लताफा को रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि अरमाफ हो गया, अफनान हो गया, और भी कोई मिडल ईस्टर्न कंपनीज है जो लोग मतलब हाइप में आके अपने प्राइजेस बढ़ा देते हैं, बट इसके प्राइजेस कभी भी नहीं बढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा परफ्यूम हो गया, मतलब 1.5-2 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, 1100-1200 रुपये में आता था ये मतलब 100ml की इसकी बॉटल, और आज भी ये 1100-1200 रुपये में 100ml की इसकी बॉटल मिल जाती है, और मेरे को लगता है ये बहुत वर्थ इट मनी को लेकर है। और इसमें 1-2 कमियाँ हैं, आगे चलकर बताऊँगा क्या कमी है। अब इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं,
ये स्वीट, फ्रेश, एक्वाटिक और थोड़े से इसमें ग्रीन नोट्स का, मतलब जो लीफी नोट्स हैं उसका ज़्यादा यूज़ करा गया है। काफ़ी लोग इसको कंपेयर करते हैं मतलब वाइल्ड स्टोन एज से, कि एज इससे बेटर है या एज जैसी इसकी स्मेल है। नहीं, आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहे हो। एज थोड़ा सिंथेटिक है और उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा मिलती है, जो बबल गम टाइप की स्वीटनेस है वो टीन्स वगैरह को ही पसंद आता है। इसमें वो बबल गम टाइप की स्वीटनेस इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, मिलती तो है बट इसको हर कोई लगा सकता है, मतलब टीन्स भी लगा सकते हैं और मैच्योर लोग भी लगा सकते हैं। 35 साल से मतलब जितने भी अंडर हैं वो सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आगे चलकर मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। अब बात करता हूँ प्रोजेक्शन पे। देखो, इसके कम से कम हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ 14 से 15 स्प्रेज आपको लगाने पड़ेंगे। और 14-15 स्प्रेज लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका परफ्यूम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी मिस्ट ही बहुत छोटी है। आप देखो, ये बहुत अच्छा थ्रो नहीं करता, तो ये एटमाइज़र का फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं एटमाइज़र्स वगैरह दिखाता हूँ तो ये फ़र्क पड़ता है। तो आप 14-15 स्प्रेज लगा के डरना मत, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जूस ही ये बहुत थोड़ा थ्रो करता है और 14-15 स्प्रेज में ये इजिली 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन दे देता है। प्रोजेक्शन अच्छा है इसका, मतलब 1.5 फीट प्लस का है। और लास्टिंग के बारे में बात करूं तो देखो, लास्टिंग से पहले एक और बात बता देता हूं। जब मैंने इसे स्टार्टिंग में यूज़ करा था, मेरे को हैंड पे इरिटेशन होने लगी थी, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इसका पैच टेस्ट वगैरह आप यहाँ पे या यहाँ पे कर लेना, नेक वगैरह पे इसको आते ही मत लगाना, आपको शायद थोड़ी इरिटेशन वगैरह हो सके। और कोई भी जितने भी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं, पहले उसको टेस्ट करो तभी लगाओ, कोई भी इरिटेशन वगैरह आपको हो सकती है। और स्किन पे इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूँ, 6.5-7 घंटा ईजिली लास्ट कर जाता है 14 से 15 स्प्रेज में। मिस्ट छोटी है तो ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा। और कपड़ों पे बात करूँ तो कपड़ों पे 9.5-10 घंटा लास्ट कर जाता है। तो मेरे को लगता है बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है लताफा की तरफ से, और इसको पूरे साल लगा सकते हो। बट मतलब जहाँ ज़्यादा ठंड हो वहाँ अवॉइड करना, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना, वैसे आप पूरे साल इसको कभी भी लगाओ। और 35 मतलब ईयर्स के अंडर जितने भी लोग हैं इसको लगा सकते हैं। तो ये नंबर 5 पे लताफा की तरफ से नजदिया, और नंबर 4 पर मैं रखना चाहूँगा ये हेवन डफ की तरफ से परफ्यूम आता है, हेवन डफ डेस्पासीटो। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, वैसे ये 850 या 900 के आसपास का आपको 50 ml मिल जाता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा से मतलब हेवन डफ के परफ्यूम आपको रिकमेंड करता हूँ। जब भी इनकी सेल्स आती है, मतलब जैसे होली की सेल आई, समर सेल आई, विंटर सेल आई, न्यू ईयर सेल आई, तभी इनको खरीदो, तब वहाँ बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। या मतलब 650 के आसपास का आपको 50 ml की इसकी बॉटल मिल जाएगी। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है खरीदने का उस टाइम पे। और इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो जो लताफा का कायदल फुरसान आता है और इसकी सेंट प्रोफाइल, दोनों की ऑलमोस्ट 90-95% सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मैंने साइड बाय साइड इनको यूज़ करके देखा, बहुत ज़्यादा मतलब कोई न्यू बंदा है, दोनों आप परफ्यूम हैंड पे लगा के जाओगे, कोई मतलब बता भी नहीं पाएगा आपने कायदल फुरसान लगाया है, लताफा की तरफ से आता है, या हेवन डफ का डेस्पासीटो लगाया। तो दोनों मतलब बहुत अच्छा, इनमें क्रीमी पाइनएप्पल का ब्लास्ट मिलता है सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं, और ड्राई डाउन में जाके ये थोड़ा सा वुडी हो जाता है। तो बहुत अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है। और लास्टिंग के बारे में बात करूं तो वहां भी इसमें कोई कमी नहीं मिलती, आप 6 से 8 स्प्रेज में इजिली ये 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन दे देता है। और स्किन पे अच्छा खासा मतलब 7.5 से 8 घंटा ये लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में बात करूं तो 11-12 घंटे ये लास्ट कर जाता है। तो मेरे को लगता है ये हेवन डफ की तरफ से बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है। और इसको कब लगाया जा सकता है, जैसे लताफा का नजदिया आप लगा सकते हो, मतलब कड़क ठंडक को छोड़ के आप इसे पूरे साल लगा सकते हो। और ये हर किसी को मतलब पसंद आने वाली स्मेल है, ऐसा नहीं कि टीन्स को पसंद आएगी, मतलब मेरे को लगता है मैच्योर लोग भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ओवर स्वीट नहीं है, जो पाइनएप्पल का मिठासपन है बहुत अच्छे से बैलेंस करके डाला गया है। तो बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है हेवन डफ की तरफ से, मैं रिकमेंड करूंगा। नंबर 4 पे ये हेवन डफ की तरफ से डेस्पासीटो, और नंबर 3 पर मैं रखना चाहूंगा ये अप्सिलॉन की तरफ से परफ्यूम आता है, अप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू। और मेरे को लगता है बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है समर के लिए अप्सिलॉन की तरफ से। और इसके प्राइजेस के बारे में बात करूं तो ये आपको 1100-1200 रुपए का 100 ml की इसकी बॉटल मिल जाती है। और पैकेजिंग वाइज और इसका एटमाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे चलकर मैं दिखाऊंगा। हमेशा से मैं अप्सिलॉन की मतलब तारीफ करता आया हूं इनके एटमाइजर की। और इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो भी बहुत प्यारी है, और इसकी सेंट प्रोफाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली टीम्स वगैरह को, जो थोड़े से मैच्योर हैं, 25-26 साल प्लस हैं, उन्हीं को पसंद आएगी। क्योंकि ये जो डीएनए ये लोग कॉपी कर रहे हैं वो मतलब डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए है, और बहुत एक अच्छे तरीके से इन्होंने ब्लेंड करा है। 1-to-1 कॉपी तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत एक अच्छे तरीके से इन्होंने ब्लेंड करा है डीएनए मतलब डेविड ऑफ कूल वाटर का। और इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो ये एक फ्रेश, सोपी और मस्की काइंड ऑफ इसकी स्मेल है। और कुछ लोग इससे इरिटेट भी हो सकते हैं, जैसे आप कोई वॉशिंग मशीन में सर्फ से कपड़े धोते हो, वैसी भी स्मेल इसमें आपको आएगी डिटर्जेंट की, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको ब्लाइंड बाय तो बिल्कुल मत करना। अगर आपने डेविड ऑफ कूल वाटर स्निफ कर रखा है, अगर आपको वैसा डीएनए पसंद आता है तभी आपको इसका डीएनए पसंद आएगा। बात करता हूँ इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में।
और मेरे को लगता है 10-11 स्प्रेज में ये इजिली प्रोजेक्ट कर देता है 1 घंटा 15 मिनट से 1.5 घंटे, क्योंकि फ्रेशी साइड पे है तो प्रोजेक्शन वैसा ही है इसका, और फ्रेशी परफ्यूम बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते। और इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूं तो ये 5.5 से 6 घंटा स्किन पे टिक जाता है 10-11 स्प्रेज लगाने के बाद। और कपड़ों में मैं इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूं तो ये इजिली टिक जाता है 8 से 8.5 घंटा, और फ्रेशी साइड पे है ये परफ्यूम, तो इतनी परफॉर्मेंस देना मेरे को लगता है अच्छी है। और इसकी जो हमेशा से मेरे को चीज़ अच्छी लगती है एप्सिलॉन की, जो इसका एटमाइजर है, मैं आपको दिखाता हूँ एटमाइजर मतलब क्यों मैटर करता है, पूरा मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक थ्रो कर रहा है, बहुत एक अच्छा एटमाइजर है। जैसे मैंने नजदिया का दिखाया था बहुत वीक था, और इसके दुगना तिगना ये स्प्रे कर देता है, तो एटमाइजर भी मैटर करता है। और मेरे को लगता है कि जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो नंबर 3 पे है ये एप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू, और नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगा, मेरा फेवरेट है, ये पर्सनल फेवरेट है, हेमेडफ्ट की तरफ से पाइंटोन आता है, काफ़ी लोगों को मैंने ये रिकमेंड करा है। इसमें मेरे को 2 कमियाँ लगी, 2 कमियों के बारे में पहले बात करते हैं। पहले तो है इसकी प्राइस पॉइंट, इन्होंने इसका प्राइजेस 1100 के आसपास रख रखा है सिर्फ 50 ml का, और 100 ml का शायद 2000 के आसपास होगा। अगर 100 ml 2000 के आसपास इसका लेना है तो हामिदी का एडिक्टेड इंटेंस 2200-2300 रुपए का मिल जाता है, वो मेरे को लगता है इससे बेटर है, तो लोग इसको क्यों लेंगे। बट इसके साथ एक और चीज़ अच्छी है, सेल्स वगैरह में अगर आप देखते हो तो ये 50 ml की बॉटल आपको 750-800 के आसपास की मिल जाएगी, तभी मैं रिकमेंड करता हूँ हेवनडफ्ट के जितने भी परफ्यूम्स हैं सेल्स वगैरह में लो, तभी आपका थोड़ा सा बेनिफिट है, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वही प्राइस पॉइंट पे हामिदी एडिक्टेड इंटेंस आपको मिल जाएगा तो लेने का कोई फायदा नहीं है। बट 750-800 के बीच मेरे को लगता है बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है। और जो दूसरी कमी इसमें मेरे को लगी, जो इसकी ओपनिंग है, जैसे हेवनडफ्ट का कोस्टल इंडिया है, डेस्पर्ट सीटों की ओपनिंग सिंथेटिक नहीं है, जो मेडिसिन टाइप की है, कोस्टल इंडिया में भी आपको फील होगी, और इसमें भी आपको जो इसकी ओपनिंग है ना, थोड़ा सा पेन टाइप की, उसमें मेडिकेटेड टाइप की आती है कोस्टल इंडिया में, इसमें आपको थोड़ी सी जैसे पेंट लगाते हैं ना घर में, वैसे इसकी मतलब जो सिंथेटिकनेस थोड़ी सी मेडिकेटेड टाइप इसमें भी फील होती है शुरुआती आधे घंटे तक, बट बाद में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और ये एवेंटस का डीएनए बहुत एक अच्छे तरीके से इन्होंने बैलेंस कराया, मतलब स्मोकीनेस, सिट्रसपन, हर चीज़ जो मिलनी चाहिए इसमें मिल जाती है। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन की, 8 से 10 स्प्रेज में इजिली 2 घंटे प्लस का ही प्रोजेक्शन दे देता है, और प्रोजेक्शन 2.5 फीट का है, ऐसा नहीं 1 फीट के अंदर का है। और लास्टिंग स्किन पे भी हैरानी वाली है इसकी, 8-8.5 घंटा ये स्किन पे टिक जाता है, और कपड़ों पे बात करूँ तो ये 13-14 घंटे ये टिक जाता है। तो मेरे को लगता है बहुत एक अच्छा ऑप्शन है हेवनडफ्ट की तरफ से, बट आपको सेल्स में खरीदना है, और इसको हर कोई लगा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे मैच्योर लोग या टीन्स लगा सकते हैं, हर सीज़न में इसको लगाया जा सकता है। तो मेरे को लगता है बहुत एक अच्छी चीज़ है, मतलब हर कोई इसको लगा सकता है और हर सीज़न में इसको लगाया जा सकता है, तो मैं रिकमेंड बट ये करूँगा इसको सेल्स में ही खरीदो। तो ये नंबर 2 पे है हेवनडफ्ट की तरफ से पाइंटोन, और नंबर 1 पर मैं रखना चाहूँगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है, ज़ारा रिच वॉर्म एडिक्टिव, बहुत अच्छा ब्लेंड है। और मैं कहता हूँ कोई अगर डिज़ाइनर परफ्यूम है, इसके जूस को मतलब कोई अच्छी मतलब डिज़ाइनर कैटेगरी का परफ्यूम अपना लेबल करके भी बेचे, वो बहुत एक अच्छे हाई प्राइस पे वो सेल होगा, क्योंकि जो इसकी अंदर की चीज़ है ना बहुत प्यारी है इसकी सेंट प्रोफाइल। बट इसमें एक चीज़ की कमी यही लगती है कि ये ठंडक में ही परफॉर्म करता है, अदरवाइज़ आप इसे गर्मी में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ये परफॉर्मेंस इसकी नहीं मिलेगी, बहुत वीक मिलेगी। बट जो ठंडक में परफॉर्मेंस मिलती है बहुत प्यारी मिलती है, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। और इसको कौन कौन लोग लगा सकते हैं, मेरे को लगता है इवनिंग टाइम के लिए, ठंडी के लिए कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, बहुत प्यारी इसकी सेंट प्रोफाइल है, रम के इसमें नोट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वेनिला बेस्ड अगर आपको कोई परफ्यूम चाहिए तो इससे बेटर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं लगता। बजट में 1200 रुपये के आसपास का मिल जाता है 100 ml की बॉटल, मेरे पास ये 150 ml की बॉटल है, बहुत प्यारी लगती है, एक इसकी बॉटल मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ये बड़ी बॉटल ले ली थी। ठंडक में मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बस इसमें एक और कमी है कि ह्यूमिड वेदर जैसे मुंबई जैसे शहर में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, अगर दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यूपी है, जहाँ थोड़ा सा मतलब ठंडक रहती है, आप मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक इसको यूज़ कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए तभी ये परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ ये परफॉर्म नहीं करता, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान देना। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में, ठंडी के प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, गर्मी में इसका कोई प्रोजेक्शन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, 15-20 मिनट में इसका प्रोजेक्शन खत्म हो। दिल्ली के वेदर के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो 8-10 स्प्रेज में मतलब ये ईजिली मेरे को 1 घंटा 15 मिनट का बहुत अच्छा प्रोजेक्शन दे देता है, बहुत अच्छा मतलब वार्म सा फील होगा, मतलब जो रम, कोकोनट हनी और जो वेनिला का नोट है बहुत प्यारे से इसमें निखर के आते हैं, बहुत अच्छा स्मेल करोगे आप।
और लास्टिंग के बारे में बात करूं तो मैं इसको कपड़ों पे ज़्यादा लगाता हूं ठंडक में, और लास्टिंग मेरे को इसकी डिसेंट मिल जाती है। स्किन पे तो थोड़ा कम लास्ट करता है 5-5.5 घंटा, बट कपड़ों पे इजीली ये 8.5-9 घंटा स्ट्रेच कर जाता है। तो मैं इसको नंबर 1 पे रखना चाहूँगा और रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ठंडक के लिए बहुत एक अच्छा परफ्यूम चाहिए 1000-1100-1200 के अंदर, मेरे को लगता है इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, तो नंबर 1 पे है ज़ारा का रिच वॉर्म एडिक्टिव। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, होप आपको ये वीडियो मेरे ऑप्शंस पसंद आए, ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।